आंध्र प्रदेश के ए रमेश। चित्तूर के रमेश ने शायद सोचा होगा 21वीं सदी है, सोच बदल रही है, तो लोग शायद मान जाएंगे। शौचालय नहीं होने से लोग सड़क किनारे या जंगलों में शौच के लिए जाते थे, जिससे पूरा गांव गंदा हो गया था। लोग नहीं माने, पर ये भी हार नहीं मानने वाला था। ये गांव के लिए भी तो शर्म की बात थी कि शौच के लिए महिलाएं शौचालय की बजाय खुले स्थान का प्रयोग करती हैं। आखिरकार रमेश जीता और झूठी जिद हारी। एक थे हमारे सत्याग्रही जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, और ये हैं हमारे स्वच्छाग्रही चित्तूर आंध्र प्रदेश के ए रमेश, कि जिन्होंने अपने गांव को गंदगी से आजादी दिलाई। धन्यवाद रमेश जी स्वच्छाग्रह के लिए।